truth also is that not everyone who wants to be an actor is a good actor. Correct. Is that hard to break to an actor? Is that difficult to communicate? Very, very, very difficult. That is the reason I think most of the actors hate casting directors. Because they think इसको cast के मुझे तो नहीं cast के मैं भी तो 25 साल का हूँ, मैं भी उसी school से निकला हूँ, मेरी भी उतनी age है. Because they always think कि हम लोग जो है, they always see कि जिसको cast किया उसका दोस्त, जिसको नहीं cast किया उसका दुश्मन. Right. The only problem with that, I personally say when I meet 5,000 actors, I meet one Rajkumar. Right. When I meet one, just like from last 10 years, you can count on your finger, you only find, in last 10 साल में you found Rajkumar, Vicky, Pankaj Tripathi, Jishan. ये सब लास्ट 10 साल में हुए ना. 10 साल में अगर मैं इस कंट्री के अंदर 10 की रेंज है तो इमेजिन करो बहुत से एक्टर हैं. बट अभी भी आई स्टिल फील एंड स्टिल नीड मोर हार्ड वर्क, मोर एक्टर, आई नीड मोर एक्टर, आई नीड मोर एक्टर. दंगल के लिए ऑडिशन 14,000 गर्ल एंड वी फाउंड 4. फॉर वासीपुर 8,000 पीपल वी ऑडिशन. आई थिंक इतना रेशो इतना कम है. दैट्स व्हाई, बिकॉज सबको हीरो बनना है. Correct. सभी शहर में आ रहे हैं लेकिन कोई प्रिपेयर करके नहीं आ रहा. प्लीज इस शहर में आइए, सीख के आइए. शहर आपको सिखाएगा नहीं, आपको सिखाए, आपको रोल दे, आपको पैसा दे और आपको फेमस कर. यू नो, यू प्लीज कम विद अ फुल प्रिपरेशन सो दैट हमको टाइम खत्म करना है. वहाँ पर टाइम नहीं, डेडलाइन है. इतना काम हो रहा है, वी हैव टू फिनिश द डेडलाइन. इफ आई एम फाइंड अ गुड एक्ट, इसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं इसको ले लूँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना. मैं भी तो अच्छा हूँ. नहीं, आप एक्चुअल में अच्छे हो, हमको पता लग जाएगा. डोंट फाइट. हाय सर. सर मेरा सर एज एन एक्टर एक क्वेश्चन है और बहुत ही जेन्युइन है कि सर जब हम ऑडिशन देते हैं तो सर हम कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं एज एन एक्टर, कि हम कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को हम जिस तरह समझ रहे हैं. तो सर एज एन एक्टर एक ऑडिशन में हम कितना लिबर्टी ले सकते हैं और कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसका स्कोप कैसे डिसाइड करें? डिपेंड करता है. सी व्हेन यू वर्किंग विद अनुराग कश्यप, कास्टिंग अनुराग कश्यप फिल्म, ही कैन गिव यू लिबर्टी टू इम्प्रोवाइज. यू वर्किंग विद राजू सर, विशाल भारद्वाज, दे ओनली स्टिक टू लाइंस. डिफरेंट फिल्म मेकर, डिफरेंट स्टाइल ऑफ ऑडिशनिंग. तो यू हैव टू प्रिपेयर. इफ दे डोंट वांट यू टू इम्प्रोवाइज, डोंट इम्प्रोवाइज. If they want you to improvise, because depend करता है. Because sometimes what happened when you working with Vishal sir, he said मुझे improvisation नहीं चाहिए, जो मैंने बोला वही लिखो, वही करो. राजू सर बोलेंगे exactly वैसे कर. और कई बार अनुराग बोलते हैं give them a situation, let them play around it. तो depend करता है. Always feel actor को पहले पूछ लो कि in this scene improvisation are okay or not okay. Because ask the person who taking the audition. For me, I always like the actor to improvise. Because and only problem is improvisation कब करना है, कितना करना है, that's understanding. कई बार होता है आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो. तो I think totally depend on person who taking the audition for whose, किस director के लिए audition ले रहा है. वो पहले पूछ ले. Sometimes director doesn't like, few director likes. Shriram Raghavan will always say कि please improvise. इम्तियाज अली विल नेवर लाइक, he said जो मैंने बोला मैं सीन देता हूँ एग्जैक्टली करके भेज दो. डिपेंड करता है आप किसके लिए ऑडिशन कर रहे हो. इम्प्रोविजन करना अच्छी बात है, बट डिपेंड करता है किस डायरेक्टर के लिए कर रहे हो. थैंक यू सर. थैंक यू. द जेंटलमैन इन द ब्लू एट द बैक देयर. हाय मुकेश सर, व्हाट इज अ परफेक्ट ऑडिशन फॉर यू लुक लाइक, लाइक एन आइडियल ऑडिशन? आइडियल ऑडिशन डिपेंड करता है मेरी सब कैसे ऑडिशन लिया गया है. फर्स्ट उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ऑनेस्टी एंड हाउ वेल ऑडिशन जिसको शूट किया गया, कितना अच्छे से शूट किया गया, और को एक्टर भी जो साथ में परफॉर्म कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. फॉर मी जो एक्टर जो ऑडिशन करता है उसके बीच में उसकी ऑनेस्टी कितना, आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% घुस जाओगे, ओनली देन इफ आई एम पाइंग 20-30% ऑनेस्ट है, वो करेक्ट बोल रहा है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. आई क्योंकि परफेक्ट ऑडिशन कुछ होता नहीं है. परफेक्ट तो आपको वर्कशॉप करने के बाद रोल मिलेगा, फिर से करा जाएगा. इन दोस वन ऑडिशन आई वांट टू सी द ऑनेस्टी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सर. हेलो सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि सर एज एन एक्टर अभी आप जो लोग NSD FTI से पास आउट होते और जो लोग हम जैसे होते, मतलब वीडो वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत कम सीट्स होती है और उसका क्राइटेरिया भी बहुत हाई. क्यों मुश्किल है? तू अपने आप कितना तैयार को नहीं करता कि मुश्किल ना लगे? वो लोग कैसे पहुँचे? बट सर अभी कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते कि हम नहीं कर पाते, मतलब जैसे कि बेटा वो अभी इमोशनल सिचुएशन में मत जा लाइफ के. आई एम टेलिंग यू एक्सक्यूजेस, सिचुएशन मत जा. सरकम चांदी तूरी डिसीजन लिया है, तूने डिसीजन लिया, कुछ भी करके तेरे को वहाँ जाना है तो जा. अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मनोज बाजपेयी भी NSD नहीं गया. हाँ सर, तो मेरा सवाल वही था कि अगर हम अभी मैं नहीं जा पाया, ठीक है मेरे में उतना कैपेसिटी नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ, मैं एक छोटे थिएटर से या फिर कहाँ से भी सीख रहा हूँ, तो आप उनको भी उतना ही रेफरेंस, मतलब उनका ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर हम जैसे मतलब छोटे थिएटर आर्टिस्ट को भी उतना ही देते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं. बॉम्बे में जब आते हो लाइन पे खड़े होते हैं ना स्ट्रगल के टाइम पे, तो FTI, NSD, BNA, बैरी जोन, अनुपम खेर, ली स्टालबर्ग, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, UCLA सब एक लाइन में आ जाते हैं. तो डोंट वरी. थैंक यू सर.
this gentleman here, and I want to give one lady a chance. That lady at the back will go next. Yeah. Sir, मेरा सवाल इससे था कि personality से क्या है मतलब इसी को continue रखना चाहिए या fit के लिए जाना चाहिए? भाई इसी को continue कर, fit को रहना मतलब fitness पे ध्यान देना. I'm saying कि my only problem with that कि अगर तुम सबके साथ fit हो जाओगे तो ऐसे character कौन cast करेगा भाई? फिर ये सौरभ शुक्ला, मनोज पापा, इन लोग जैसे कौन बनेंगे और एक्टर? फिर ये भी तो चाहिए लाइफ में. जस्ट वर्क ऑन द एक्टिंग, फिट रहे, अनफिट मत, अनहेल्दी मत रहे. एंड द लेडी अप देयर. हाय सर, हाय हेली, आई जस्ट हैड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर यू एज अ कास्टिंग डायरेक्टर व्हेन यू आर टेकिंग एन ऑडिशन? सो वेरी हार्डेस्ट पार्ट होता है जब एक्टर सुनते नहीं ऑडिशन पे. करते रहते सुनो, पेशेंटली सुनो. तो मुश्किल होता है कि जब उनको आप डायरेक्ट करते हो तो वो ढंग से सुनते नहीं हैं. सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कई बार प्रॉब्लम ये भी होता है कि कई बार कास्टिंग असिस्टेंट ऑडिशन करता है, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है. मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं अपने ऑफिस में लोगों को बोलता हूँ भैया तुम कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हो, मैं हूँ. तुम सिर्फ अच्छे से ऑडिशन करो, ज़्यादा ज्ञान मत दो, ज़्यादा डायरेक्ट मत करो. जहाँ भी ऑडिशन में ज़्यादा डायरेक्शन शुरू करे कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो, कास्टिंग असिस्टेंट, प्लीज़ उस ऑडिशन को सीरियसली मत लेना. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इस टाइम, बिकॉज अगर आप अंडरस्टैंड करके उस ऑडिशन को ठीक से कर रहे हो तो कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर ज़बरदस्ती ख़राब नहीं करेगा. वो ज़बरदस्ती डायरेक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है. आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सुनिए, अगर आपको इंस्ट्रक्शन सही लग रही है तो सुनिए. अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछिए, नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछिए. बिना समझे हुए कर देंगे ना वो ख़राब होगा. एंड यू आपका अधिकार है बार बार पूछना कास्टिंग डायरेक्टर से कि स्क्रिप्ट क्या है, मेरा रोल क्या है. हम नहीं बताएंगे वो ऑडिशन मत देना प्लीज. यू हैव फुल राइट, रिस्पेक्ट योरसेल्फ. थैंक यू सर. ओके, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन सो दैट एवरीवन बेनिफिट्स, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज नो वे वी कैन टेक ऑल. मुकेश, डू यू, यू नो, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, योर जॉब इज ऑल्सो टू गिव देम होप. योर ऑफ कोर्स इट्स दे वॉन्ट टू हियर, एवरी वन वॉन्ट्स टू हियर द गुड न्यूज, एवरी वन वॉन्ट्स टू हियर दैट देर आर ग्रेट रोल्स, देर आर ग्रेट पार्ट्स. डू यू जेन्युइनली बिलीव दैट से इन अ रूम ऑफ 300 पीपल दैट सम पॉइंट ऑफ द अदर द मेजोरिटी ऑफ देम विल गेट वर्क? इज दैट, इज द 5000% कल्चर ऐसा, इतना काम हो रहा है. इस वक्त द बेस्ट टाइम. रिमेंबर जब हम लोग स्ट्रगल करते थे ना, फोन होता था, कुछ होता था, अब तो सब कुछ है, इतना काम हो रहा है. वहाँ पे तो कुछ हमारा तो फोन नहीं उठाता था यार. लैंडलाइन पे फोन करते थे, 1 रुपए का सिक्का था, काउंट करते थे 58 सेकंड, 57 56 54. तुम्हारे पास फोन से है, इतना काम है, इतना काम हो रहा है शहर के अंदर. अगर आपको डेफिनेटली काम मिलेगा, अगर आपने अपनी होप को छोड़ दिया फिर नहीं मिलेगा काम. आप सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ, कोशिश करता हूँ. Thank you so much, Mukesh. Thank Congratulations. You. Wonderful. You're really doing, you're really the conduit for them to, you know, for them to realize their dreams. That's a position of great responsibility and great power. Thank I think you. Most people just think of it as power, but it's also great it's responsibility. It's not power, yeah. It's a responsibility, because that's what I said, that you understand our problem. One film is 10,000 actors. We have to choose 10. Yeah, I would not want to be in that position. And it's so scary because people, then, गाली देते हैं, हमको मैसेज नहीं किया, मतलब 24 घंटे हमको फ़ोन आते हैं. एक दिन में किसी को आते हैं, मुझे आते 2000 फ़ोन. आई गेट 5000 मैसेजेस एवरी डे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस. हाय, गुड मॉर्निंग सर, मुझे गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली. मुझे सबसे ज़्यादा मेरा रिकॉर्ड है, गिनीज बुक रिकॉर्ड मेरा नाम है आई थिंक. आई गेट 10,000 गुड मॉर्निंग मैसेजेस एवरी डे एंड गुड नाइट मैसेजेस 5000 एवरी डे. वाई देन नीचे लिखा था एक्टर. आई अंडरस्टैंड इट्स अ होप कि वन डे दिस गाय विल कॉल मी. But trust me, I will try to call as much as I can. But understand, there's very little work and I'm more actor. And इतने सारे लोग हैं, आप उसमें मेहनत करो, हम पहुंच जाएंगे आपके पास. But just be patient, be positive, don't get into negativity. Just stick to your job, please. Thank you. Thank you.